वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज के नए दिन की शुरुआत वडोदरा एयरपोर्ट तो, जिथे उतरते ही मैनू कुछ नवे फ्रेंड्स नवे फैंस मिल गए, जिहड़े कि साड़ी जर्नी नू फॉलो करते सीगे ते साड़ा प्रोग्राम देखते सी। उन्होंने साडे नाल सैल्फीज लईआं, होर साडे प्रोग्राम के बारे डिस्कस किया, बड़ा ही चंगा लग्या उन्होंने मिलके। तो हुण असीं इत्थों शुरुआत कर रहे हैं अज दी, अगे जाण वास्ते आओ तुसीं भी चलो साडे नाल ते इस यात्रा का हिस्सा बनो। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुसी सारे हैरान हो गए कि मैं इतने वडोदरा एयरपोर्ट से की कर रहा गया। सो हैरान होने वाली गल है कि असी जिस वक्त जूनागढ़ तो चले सी परसों, तो परसों रात असी पहुंचे सी अहमदाबाद, तो मैं एक दिन वास्ते दिल्ली गया सीगा अपने मिसिज नूं छड्डण वास्ते। तो कल एक अवार्ड सैरेमनी सी पैशन विस्टा उन्होंने मैं एक अवार्ड देने वास्ते बुलाया सीगा, इस करके मैं गया सी। हुण मैं पहुंचया इतने वडोदरा एयरपोर्ट। गुजरात के साढ़े दो गुरद्वारा साहब रह गए थे, एक सीगा भरूच का तो दूसरा वडोदरा का। सो हुण असी एयरपोर्ट तो चले हाँ भरूच, जिथे गुरद्वारा चादर साहब है। उत्थे दो गुरद्वारा साहब बने हुए हैं, एक जिहड़ा हाईवे पर हैगा तो दूसरा पुरातन स्थान जिहड़ा कि शहर के विच है नदी के कंढे। सो आप जी नूं दोनों के दर्शन करावांगे, तद तक तुसीं साडे नाल बने रहो तो देखते रहो स्पिरिचुअल जर्नी दर्पण ट्रैवलर की। मार्ग ठाक ना पाए मन पत स्यों परगट जाए, मन ने मार्ग ठाक ना पाए मन पत स्यों परगट जाए। मन ने मग न चले पंथ मन ने धर्म सती संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्पिरिचुअल जर्नी डरबन ट्रैवलर दी वेखण वाले सारे दर्शकों नू, देश विदेश बैठी सारी संगतों नू प्यार भरी सत श्री अकाल ते जी आया नू। अज जिस स्थान ते असी खलोते है गया, यह दिल्ली तो तकरीबन 1100 किलोमीटर की दूरी ते है, जिथे बाय रोड पहुँचने वास्ते घट तो घट 20 घंटे का समय लगता है एज़ पर GPS, तो एक्चुअली घट तो घट 24 घंटे लगनगे। इस स्थान ठीक नैशनल हाईवे 64 या जिन्हों नैशनल हाईवे 48 भी कहने हैं उत्थे स्थित है। इत्थे दा शोर शराबा देख के तुहानूं अंदाजा हो सकता है कि यह हाईवे कितना ज़्यादा बिजी है। इस हाईवे नूं अहमदाबाद तो लैके मुंबई जाण वाला एक्सप्रेस हाईवे भी आख्या जांदा है। मेरे पिछे आप दर्शन कर रहे हैगे हो उस स्थान दे जिन्हों गुरद्वारा चादर साहब भरूच कहिंदे ने। भरूच विच गुरु नानक देव जी दे दो गुरद्वारा साहब ने, एक जिथे असीं खलोते हैगे आ यह उन्हां दी याद विच बनाया गया है, तो दूसरा शहर के अंदर है नर्मदा नदी के कंढे जिहड़ा कि एक इतिहासिक स्थान है। सब तो पहले असी इस गुरद्वारा साहब के दर्शन करांगे, तो इत्थे आपनूं अंदर किस तरह लगता है गुरद्वारा साहब किस तरह है यह दसांगे। उपरांत असी जावांगे शहर के विच जिथे इतिहासिक गुरद्वारा साहब है, तो उत्थे जाके आप जी नूं उहदा इतिहास भी दसांगे। तद तक तुसीं अपना प्यार साडे नाल इस तरह ही बनाए रखो, तो देखते रहो स्पिरिचुअल जर्नी डरबन ट्रैवलर दी। छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका। बख्श देवी मेरे तू गुना बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका, छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका। सतगुरु नानक धन गुरु नानक, सतगुरु नानक धन गुरु नानक।
चमक तू ही दुनिया वाली अखेड रचाई तू ही दुनिया वाली अखेड रचाई हर डुबदी बेड़ी तू पार लंघाई पार लंघाई सवली रख मेरे देवी सवली रख मेरे ते सवली रख मेरे ते निगा बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये जो गुरुद्वारा है ये गुरुद्वारे का नाम है चादर साहब। ये गुरुद्वारा चादर साहब मुड़ के जो बनया वो गुरु नानक पातशाह नाँ से बाबा लखा सिंह जी की सेवा करवा रहे हैं बाबा तारा सिंह दे तो उपरंत जो ये इतने मुखी ने बाबा लखा सिंह जी जिन्हों की होर भी कई थान से सेवा चल रही है कोटा साहब भीलवाड़े और कई थान से सेवा चल रही है उन्हों का करके ये सेवा चल रही ये भी उन्होंने इन्हें सेवा करवाई सी बाबा लखा सिंह जी जिसे खटपट साहब जी चलते रहते हैं टुट लंगर चलता है 24 घंटे लंगर है रहने वास्ते रूम बने ने रहस वास्ते आने जाने वाली संगत वास्ते बहुत सुख वा। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवे फिर ना खाई महाकाल बिन गुर पूरे नाहीं उधार बाबा नानक आखे ये हो विचार बिन गुर पूरे नाहीं उधार बाबा नानक आखे ये हो विचार अहमदाबाद तो मुंबई जाने वाले जिस एक्सप्रैस हाईवे से असी इस वक्त खलोते हैं जिथे गुरद्वारा चादर साहब गुरद्वारा साहब शोभायमान है वो 1984 के नेड़े तेड़े संत बाबा लखा सिंह जी ने सेवा करके बनवाया सी। ए गुरु नानक देव जी की याद बनया हुआ वो स्थान है खास तौर पर तुम मेरे पिछे देख सकते हैं जिथे इन्ने सारे ट्रक खड़ोते ने काफ़ी व्डे एरिया गुरद्वारा साहब बनया है तो बाहर बहुत वड्डी पार्किंग है जिथे दिल्ली तो जिहड़े भी ट्रक्स ड्राइवर जिहड़े ने जिहड़े जांदे ने मुंबई वास्ते इस स्थान ते आके रुकदे ने लंगर पानी छकदे ने रात इत्थे आराम करदे ने ते ए सारा स्थान इस तरह लगता है बाहरों कि कोई बहुत वड्डा ट्रक स्टॉप होवे। संगत जिहड़ी भी जांदी है मुंबई वल या नांदेड़ वल वो भी इस स्थान तो होके गुजरती है ऐसा सानू इत्थे दे लोगों ने दस्या। नानक हुक्मी आवो जाओ नानक हुक्मी आवो जाओ आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। हाईवे ते स्थित गुरद्वारा चादर साहब के दर्शन करने तो उपरांत हूँ असी चाले पा रहे हैं वो इतिहासिक गुरद्वारा जिहड़ा कि भरूच शहर में है गुरद्वारा चादर साहब इतिहासिक गुरद्वारा जिहड़ा कि नर्मदा नदी के कंडे ते है। उत्थे पुजन वास्ते तकरीबन अद्धे घंटे का समय लगता है इतों 13-14 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान आओ तुसी भी साढ़े नाल चलो इतिहासिक गुरद्वारा गुरद्वारा चादर साहब भरूच। पाए न कहे आ जाए कहने वाले
समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा किता केवड जीरा कोई ना जाने तेरा किता केवड जीरा छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बां बाबा नानका बख्श देवी मेरे तू गुना बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका।